सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम जिस टॉपिक के अंदर के बारे में बात करेंगे वह है अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध का यौगिकों के गुणों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। जैसा आप सभी को मालूम है कि हम अभी तक जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में इससे पूर्व के जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं उसके अंदर पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने लगभग 4 लेक्चर जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के विभिन्न एस्पेक्ट के बारे में हमने बात की। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने बात की थी कि किस तरह से जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट डालती है, उसको प्रभावित करती है। आज अपन लोग बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध जो है वो यौगिकों के गुणों को प्रभावित करता है। तो एक एक करके अपन सभी गुणों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है क्वथनांक एवं गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट एंड मल्टिंग पॉइंट। अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध जो है एक ही अणु के दो ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य पाया जाता है। जैसे हमें मालूम है कि हाइड्रोजन जो है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर स्थित हैं उनके अंदर मिलता है। अतः अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध के फलस्वरूप इन अणु का दूसरे अणुओं के प्रति आकर्षण जो है वो कम हो जाता है। तो जिस भी मॉलिक्यूल में इस प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो अपने आप में मॉलिक्यूल जो होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है, तो वो किसी दूसरे अन्य मॉलिक्यूल के प्रति, दूसरे अणु के प्रति जो है आकर्षण जो है वो नहीं रखता, तो उसका आकर्षण जो है दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए कम हो जाता है। अतः ऐसे यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक जो हैं वो स्वतः ही कम हो जाते हैं। तो ये जो है ये एक सामान्य बात है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के अंदर कि जिन भी मॉलिक्यूल्स में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी उनकी टेंडेंसी जो है वो दूसरे अन्य मॉलिक्यूल के साथ आकर्षण बल जो रखने की है वो कम हो जाएगी। इस कारण से उनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स, क्वथनांक और गलनांक जो है वो सामान्य रूप से कम हो जाते हैं। अपन देखते हैं उदाहरण स्वरूप ये किस प्रकार से होता है। सबसे पहले क्लोरोफिनॉल जो है उसकी अपन बात करते हैं। क्लोरोफिनॉल के 3 समावयवी ऑर्थो, मेटा एवं पैरा क्लोरोफिनॉल के क्वथनांकों के मान क्रमशः निम्न प्रकार हैं। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि ऑर्थो क्लोरोफिनॉल जिसमें ऑर्थो पोजीशन पर बेंजीन के ऊपर OH और Cl जो है ग्रुप्स अटैच्ड हैं, यहाँ पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 173 डिग्री सेंटीग्रेड। मेटा क्लोरोफिनॉल जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 214 डिग्री सेंटीग्रेड और पैरा क्लोरोफिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 220 डिग्री सेंटीग्रेड। इन तीनों समावयवियों में ऑर्थो क्लोरोफिनॉल के क्वथनांक का मान जो है वो न्यूनतम है। जैसे अपन देखें यहाँ पर इन तीनों में 173, 214 और 220, तो ऑर्थो का मान जो है वो सबसे कम है, क्वथनांक का मान न्यूनतम होता है क्योंकि इसमें अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जबकि इसके मेटा एवं पैरा समावयवियों में अंतरणुक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। तो इसके जो ऑर्थो में जो है वो अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध है यानी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, और मेटा और पैरा के जो आइसोमर्स हैं उनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है जिससे अणुओं का संगुणन हो जाता है, जिससे क्या होता है मेटा और पैरा के अंदर जो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन जो है इनमें हो जाता है। पैरा क्लोरोफिनॉल समावयवी में आणविक संगुणन मेटा व्युत्पन्न से अधिक होता है क्योंकि समूहों की पैरा स्थिति के कारण आमने सामने वाले समूह में आणविक संगुणन अधिक होता है, इसलिए पैरा क्लोरोफिनॉल समावयवी का क्वथनांक उच्च होता है। तो सबसे पहले अपन ने ऑर्थो और मेटा और पैरा के संबंध में बात की कि ऑर्थो में तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और मेटा और पैरा में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए जो है ऑर्थो का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है मेटा और पैरा से। अब अपन मेटा और पैरा के बारे में बात कर रहे हैं। मेटा क्लोरोफिनॉल और पैरा क्लोरोफिनॉल में पैरा क्लोरोफिनॉल जो है समावयवी जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। उसका कारण यह है कि उसमें जो पैरा पोजिशन पर जो दो आमने सामने ग्रुप्स हैं उनके अंदर बड़ी अच्छी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और उनका आणविक संगुणन जो है वो मेटा समावयवी के कंपैरिजन में
अच्छे तरीके से होता है, यानी कि उनका जो मॉलिकुलर एसोसिएशन है पैरा आइसोमर्स में वो मेटा के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रांग होता है। इसलिए पैरा क्लोरोफिनॉल जो समावयवी है उसका जो कथनांक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है, वो उच्च होता है। देखिए यहाँ पर अपन इसको देख सकते हैं कि पैरा पोजीशन पर जब क्लोरो और फिनॉल ग्रुप OH ग्रुप हैं तो इनके अंदर जो दोनों ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के आमने सामने जब हम जिसको अपन कहते हैं उल्टी स्थिति में जाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से उनके बीच में मॉलिकुलर पैकिंग होगी और उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इतनी अच्छी तरह से होगी कि जो मॉलिकुलर एसोसिएशन है वो पैरा क्लोरोफिनॉल में मेटा के कंपैरिजन में अच्छा होगा या ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इसलिए पैरा क्लोरोफिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मेटा से अधिक होता है। फिर अपन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसी प्रकार ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल यानी फिनॉल फिनॉलिक ग्रुप यानी कि जिसको हम कहें OH ग्रुप जो है जो कि बेंजीन रिंग पर है और NO2 ग्रुप दो की बात हो रही है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का गलनांक कितना है 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जबकि इसके मेटा एवं पैरा समावयवियों का गलनांक क्रमशः 97 डिग्री और 114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये इन तीनों का मेल्टिंग पॉइंट है 45 डिग्री ऑर्थो का है 97 डिग्री मेटा का है और 114 डिग्री जो है वो पैरा समावयवी का मेल्टिंग पॉइंट है। ऑर्थो यौगिकों में अंतः अणुक हाइड्रोजन बंद होते हैं जबकि मेटा एवं पैरा समावयवियों में अंतराणुक हाइड्रोजन बंद बनने की संभावना रहती है। यह संभावना पैरा समावयवियों में सर्वाधिक होती है उनकी स्थिति के कारण। तो देखिए ऑर्थो में तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और मेटा और पैरा में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और मेटा और पैरा को अगर अपन कंपेयर करें तो पैरा की जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है या जिसका कहें मोलिकुलर एसोसिएशन जो है वो ज़्यादा है क्योंकि दोनों पैरा पोजीशन पर जो प्लेस जो दोनों ग्रुप हैं उनकी पोजीशन इस प्रकार की है कि उनका जो मोलिकुलर एसोसिएशन होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है बिकॉज ऑफ द बेटर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीसरा है ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक अम्ल के ऑर्थो व्युत्पन्न का गलनांक अंतः अणुक हाइड्रोजन बंद के कारण मात्र 147 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जबकि पैरा व्युत्पन्न का गलनांक अंतराणविक हाइड्रोजन बंद के कारण 242 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि हम देख सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा के मेल्टिंग पॉइंट में लगभग 100 डिग्री का अंतर इसके अंदर मिलता है। किसमें? ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर एक COH ग्रुप है और एक नाइट्रो ग्रुप है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट जो है ऑर्थो डेरिवेटिव जो है उसके अंदर एक प्रकार की इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और पैरा के अंदर जो है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसलिए जो है पैरा का जो मोलिकुलर एसोसिएशन है वो ज़्यादा अच्छा होता है इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 242 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स को इफेक्ट करती है। अब अपन बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के अम्लों के वियोजन स्थिरांक के संबंध में जिसको हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। तो जो अंतः आणविक हाइड्रोजन बंद के कारण इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण कुछ अम्लों के ऋणायनों में स्थायित्व आ जाता है ऐसी स्थिति में उस अम्ल के वियोजन स्थिरांक में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से ऐसे अम्लों का अम्ल सामर्थ्य बढ़ जाता है। उदाहरण स्वरूप हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल के तीन समावयवियों के वियोजन स्थिरांक निम्न प्रकार हैं। देखिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जिसको अपन सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं उसका जो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट जिसको अपन KA कहते हैं उसका मान जो है वो 105 है और मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का जो के की वैल्यू है यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है अम्ल वियोजन स्थिरांक जो है उसका मान 8.3 है और पैरा के लिए ये वैल्यू जो है वो 2.9 है। तो हम सामान्य रूप से ऐसा समझ सकते हैं कि जिसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना कम होता है वो अम्ल जो है वो उतना ही कम जो है वो जिसको अपन कहते हैं स्ट्रांग होता है उसकी जो एसिडिटी होती है उतनी ही अम्ल सामर्थ्य जो होता है वो उतना ही कम होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो है इसके अम्ल सामर्थ्य जो है मेटा से और पैरा से बहुत अधिक है। इसका क्या कारण है?
ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पर हम समझा सकते हैं। मेटा एवं पैरा समावयवियों की तुलना में ऑर्थो समावयवी के वियोजन स्थिरांक का मान जो है वो बहुत अधिक होता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल एक प्रोटोन त्यागने के पश्चात जो ऋणायन बनाता है वो ऋणायन अंत अणु हाइड्रोजन बंद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, जो कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में जब एक उसने प्रोटोन को त्यागा यानी एक एच प्लस आयन जब उसमें से निकलता है तो जो एनायन बनता है वो एनायन क्या होता है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो जाता है। इसके जो है जो ओरिजिनल कंपाउंड है जो मूल यौगिक है यानी सैलिसिलिक एसिड है उसमें भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, लेकिन इसके जो एनायन जो बनता है एक प्रोटॉन को त्याग करने पर वो ज़्यादा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण स्टेबलाइज हो जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं सैलिसिलेट एनायन। तो सैलिसिलेट एनायन जो है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बहुत स्टेबलाइज हो जाता है। तो जिस अम्ल का ऋणायन जो है अगर स्थायित्व प्राप्त कर ले तो वो अम्ल जो है वो अधिक मात्रा में प्रोटॉन त्याग कर उस एनायन की स्थिति में जाना चाहेगा। इसलिए हम क्या देखते हैं जो ऑर्थो समावयवी है उसमें प्रोटॉन को त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो मेटा और पैरा के समावयवियों के कारण के कंपैरिजन में जो है वो अधिक होती है। इसलिए ऑर्थो जो सब्सटीट्यूएंट है ऑर्थो डेरिवेटिव जो है वो ज़्यादा एसिड स्ट्रेंथ जो है शो करता है, इसलिए उसके के की वैल्यू जो है के का मान जो है अम्ल वियोजन स्थिरांक का मान अधिक होता है। और फिर अपन अगली प्रॉपर्टी के संदर्भ में बात करते हैं, वो है क्लोरल हाइड्रेट का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरल हाइड्रेट। देखिए जो क्लोरल है ये एक बड़ा विशिष्ट प्रकार का एक यौगिक होता है जिसके कई सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी हैं जिनके बारे में अपन कभी फिर बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये जो क्लोरल हाइड्रेट है यहाँ पर क्या होता है कि इसमें एक कार्बन के ऊपर तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो जुड़े हैं और दूसरे कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप जुड़े हैं। तो जो दोनों ही ग्रुप्स जो हैं वो एक ही कार्बन के ऊपर जुड़े होने के कारण वो बहुत अधिक अस्थायी होता है, लेकिन क्लोरल हाइड्रेट जो है वो एक बड़ा एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है जो कि बड़ा स्थायित्व वाला यौगिक है। तो इसको जब हमने स्टडी किया तो हमें पता लगा कि इसका जो स्थायित्व है उसका कारण जो है इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की उपस्थिति के कारण है। तो आइए देखें कैसे। सामान्यतः वह यौगिक जिसमें एक ही कार्बन परमाणु के साथ एक से अधिक OH समूह जुड़े हों तो वो अस्थायी होता है, लेकिन यदि एक कार्बन परमाणु के साथ तीन ऋण विद्युतीय परमाणु जुड़े हों तो वह यौगिक और भी अस्थायी हो जाते हैं, जैसा अभी अपन बात कर रहे थे। तो क्लोरल में दोनों हैं, एक ही कार्बन एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप हैं और दूसरे कार्बन के ऊपर तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं जो कि हाइलोजन ग्रुप्स हैं जो कि एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं, लेकिन क्लोरल हाइड्रेट अणु में तीन क्लोरीन परमाणु एक कार्बन पर स्थित होने के बाद भी ये स्थायी होते हैं क्योंकि इस अणु में अंत अणु हाइड्रोजन बंद जो है वो पाया जाता है, जिसके कारण क्लोरल हाइड्रेट अणु जो है वो स्थायी हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लोरल हाइड्रेट क्या है, CCl3CHOH होल ट्वाइस। तो एक कार्बन पर तीन क्लोरीन एटम है जिसको अपन यहाँ चित्र में देख सकते हैं और दूसरे कार्बन पर दो OH समूह हैं और ये OH समूह का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन एक तरफ Cl के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है इसकी स्ट्रक्चर के कारण से, इसलिए ये जो इंट्रामोलिकुलर दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसमें क्लोरल हाइड्रेट में जो बनते हैं उसके कारण ये जो यौगिक है वो अत्यधिक स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। हालांकि इसकी जो जिसको अपन कहें कि सैद्धांतिक रूप से अगर अपन देखें तो यह यौगिक जो है वो स्थायी नहीं होना चाहिए, लेकिन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यह यौगिक जो है वो अत्यधिक स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन आज हमने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कौन कौन से यौगिक जो हैं उनके गुणों पर प्रभाव पड़ता है उसको आज हमने यहाँ पर उसका अध्ययन किया। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।